चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 300 टर्न्स हैज एन एवरेज एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर, द कॉइल रोटेट्स विद द स्पीड ऑफ 50 साइकिल पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है टेस्ला में, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द पीक वैल्यू ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, ये होती है माइनस डी फाई बी बाई डी टी। अगर एन टर्न्स हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, एन बी ए कॉस थीटा, अगर ये वैल्यू यहाँ रख दो ठीक है तो क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ एन बी ए कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी ठीक है, और एन कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, एरिया भी कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी डी टी ऑफ कॉस, डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें क्या आएगा, एन बी ए, और ये साइन माइनस साइन ओमेगा टी होगा, और जिसको आपने टी माना था इसको टी माना था, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस एन बी ए साइन ओमेगा टी, और जो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा इंटू वन, यानी ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू ई एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये होता है, और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन, तो ईएमएफ की जो पीक वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट इज इक्वल टू ये, क्योंकि ये वन हो गया तो एन बी ए ओमेगा पीक वैल्यू हो गया, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है पीक वैल्यू, करेक्ट है, तो पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई नॉट इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स 300 है, कैलकुलेशन है, अब कुछ नहीं है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू एरिया कितना है, एरिया मैं इधर निकाल लेता हूँ, लेंथ 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 250 इंटू 10 पावर माइनस 4 ठीक है, इसको आप लिख दो 25 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो एरिया को 25 इंटू 10 पावर माइनस 3, करेक्ट है, सही है, अब उसके बाद से एरिया हो गया और क्या बचा, ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैसे निकाला जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, न्यू की वैल्यू दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 2 पाई इंटू 50, 100 पाई हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू, 100 पाई, ये वैल्यू यहाँ रख दो, या ई नॉट इज इक्वल टू, देखो 10 टू पावर माइनस 2 है ये 2, 300 का 2 ये खत्म हो जाएगा, 4 इंटू 12 हो जाएगा इंटू 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू ओमेगा की वैल्यू रखी नहीं ना यहाँ पर, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है ना, 100 पाई, तो 100 पाई करेक्ट है, देखो कितना होगा, 100 पाई है ना, देख लो एक बार चेक कर लो ठीक है, 100 पाई, ये कितना हो जाएगा, 100 इससे कम होगा, अच्छा माइनस वन होगा, ये हो गया 12 इंटू 25 इंटू पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 1, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले और कितना हो जाएगा, 300, ये 300 हो जाएगा, 300 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 1, ये 30 पाई हो जाएगा, ईएमएफ 30 पाई वोल्ट, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।